हेलो एवरीवन, कैसा आप लोग। तो देखिए, यंगेस्ट एवर प्रेसिडेंट इलेक्ट इन इक्वाडोर वाउस टू रिस्टोर पीस। तो इन्होंने कसम खाई है कि पीस को रिस्टोर करेंगे। यंगेस्ट एवर प्रेसिडेंट है उस कंट्री के, वो कंट्री का नाम है आपका इक्वाडोर। तो आप सोच पा रहे हैं इक्वाडोर किधर है। यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे ये पूरे एशिया का आपकी बात हो रही है। यहाँ पे यूरोप आ गया, यहाँ पे साउथ अफ्रीका आ गया, अफ्रीका में नीचे में सबसे साउथ अफ्रीका आ गया। यहाँ पे फिर ऊपर में नॉर्थ अमेरिका, नीचे में साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में सबसे बड़ा ब्राज़ील, और ब्राज़ील के सबसे अपोजिट में इस तरफ में आप देखिए इक्वाडोर, आपके नॉर्थ ईस्ट में। क्या ब्राज़ील से बॉर्डर शेयर करता है? नहीं करता है। तो चलिए, ये सब तो ऐसा तुरंत आ जाना चाहिए दिमाग में। एक गैलापागोस आइलैंड है इसका, तो ये तो दिमाग में आना चाहिए, पर नहीं आ रहा है। तो उसके लिए चलिए एक बार लोकेशन देख लेते हैं हम लोग। ये है आपका इंडिया, ये पूरा एशिया है, ये यूरोप, ये अफ्रीका। ठीक है, अब हम लोग इधर गए। मैंने बोला नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। यहाँ पे आप देखिए ब्राज़ील, ब्राज़ील के उल्टे में आप देखिए यहाँ पे ऊपर में इक्वेडोर, यहाँ पे पेरू है। ये अपने आप दिमाग में आना चाहिए कि हम लोग किधर की बात करें। तुरंत मतलब अगर आँख बंद करके कोई बोले इक्वेडोर, तो आप फट से यहाँ पे हाथ रखो। तो ये रहा आपका इक्वेडोर। ठीक है, अब आप देखिए इक्वेडोर है, इसमें कुछ मार्किंग कर लेते हैं हम लोग। ये तो एक तो इसका बॉर्डर हो गया, कंट्री का बॉर्डर हो गया। अब कोई बोले आपसे ये कंट्री लैंडलॉक है, सही है कि गलत है? ऑब्वियसली गलत है। इसका कैपिटल क्विटो, जैसे इंडिया है, इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली, तो ये इसका कैपिटल क्विटो। तो ये चीज़ हो गया। किससे बॉर्डर शेयर कर रहा है? कोलंबिया से। ठीक है, ये रहा आपका कोलंबिया, कोलंबिया से कर रहा है। नीचे में किससे कर रहा है? पेरू से कर रहा है। इसका कैपिटल क्विटो। यहाँ पे एक आइलैंड है, गैलापागोस आइलैंड, आइसलैंड, गैलापागोस आइलैंड है आपका। ये किसके एडमिनिस्ट्रेशन में है? ये इक्वेडोर के। ठीक है, और एक आप ये देखिए प्यूटो अयोरा, ये भी किसका है? इक्वेडोर का है। यहाँ पे ये कौन सा है? ब्राज़ील है। इसका कैपिटल ब्राज़ीलिया। ठीक है, इसका कैपिटल बोगोटा। ये लैंडलॉक है? नहीं, लैंडलॉक नहीं है। क्यों नहीं है? इससे हम लोग डायरेक्ट कौन से ओशन में आ रहे हैं? इस ओशन का नाम क्या है आप बताइए? पैसिफिक है कि अटलांटिक है? ये पैसिफिक आइलैंड है। ठीक है, पैसिफिक आइलैंड है यहाँ पर। अब ये साउथ अमेरिका है, तो इसको साउथ पैसिफिक आइलैंड बोल सकते हैं नीचे में, क्योंकि ये नीचे में है। ये बॉर्डर किससे? इसकी शेयरिंग बॉर्डर बॉर्डर्स किससे? कोलंबिया से और पेरू से। पेरू का कैपिटल आपका लीमा, कोलंबिया का कैपिटल आपका बोगोटा, इसका खुद का कैपिटल क्विटो। तो यहीं पे आप देखिए यंगेस्ट एवर प्रेसिडेंट आए हैं। उन्होंने किस चीज़ की कसम खाई है? टू रिस्टोर पीस। तो ये था हमारे लिए लोकेशन का ज्ञान। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इक्वेडोर है। यहाँ भी एक बार आपको मैं दिखा दूँ, लोकेशन क्लियर हो जाएगी। जस्ट सेकंड, ये आपका इक्वेडोर हो गया। आप देखिए कोलंबिया, ठीक है, ब्राज़ील से बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है। यहाँ पे नीचे में पेरू, ये हो गया आपका गैलापागोस आइलैंड, इसी का है। ये पैसिफिक ओशन में डायरेक्ट इसकी ओपनिंग है। तो ये चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसका कैपिटल खुद का क्विटो, इक्वेडोर। तो चलिए आगे अब आर्टिकल पे जाते हैं हम लोग। कार हॉर्न्स इन क्विटो, क्या है? कैपिटल है, हमने पढ़ लिया। ब्लेड इन सेलिब्रेशन ऑन संडे एज बनाना एम्पायर हायर डेनियल नोबा 35 बिकेम इक्वेडोर्स यंगेस्ट एवर प्रेसिडेंट इलेक्ट वोविंग टू रिस्टोर पीस टू कंट्री रेवेज्ड बाय ब्लडी ड्रग गैंग वॉर। तो यहाँ पे आप देखिए ड्रग की इशू चल रही है ऑलरेडी। आफ्टर द इलेक्टोरल अथॉरिटी ऑफ इक्वेडोर डिक्लेयर्ड हिम द विक्टर एंड सोशलिस्ट राइवल ल्यूजिया गोंजालेज कंसीडर्ड डिफीट। मिस्टर, इनका नाम है डेनियल नोबोआ, मिस्टर नोबोआ वो दैट टुमारो वी बिगिन टू वर्क टू रिबिल्ड अ कंट्री दैट हैज बीन सीवियरली हिट बाय वायलेंस करप्शन एंड हेट्रेड। तो बोल रहे हैं हमारे कंट्री में वायलेंस हो रहा है, करप्शन हो रहा है,
हेटरेट इंक्रीज हो रहा है, हम लोग इसके अगेंस्ट काम करेंगे। लॉन्ग अ पीसफुल हेवन बिटवीन मेजर कोकेन एक्सपोर्टर कोलंबिया एंड पेरू, इक्वाडोर हैज सीन वायलेंस एक्सप्लोडेड इन रिसेंट ईयर एज एनिमी गैंग्स विथ लिंक्स टू मैक्सिकन एंड कोलंबियन कार्टल्स वाई दी कंट्रोल। तो यहाँ पे आप देखिए साफ यहाँ पे बात हो रही है इन सारे जगहों की, कोलंबिया की बात हो रही है, पेरू की बात हो रही है। यहाँ पे इशू ये लोग क्या बता रहे हैं, ड्रग का है, ठीक है, वॉयलेंस का है, ठीक है, करप्शन का है, इसका इशू है जिसको ये बोल रहे हैं कि फेज आउट करेंगे। द फाइटिंग हैज सीन एटलीस्ट 460 इनमेट्स मैसेकर्ड केयर इन प्रिजन सिंस द फरवरी 2021, मेनी बीहेडेड और बर्न अलाइव इन मास राइट्स। तो यहाँ देखिए मास राइट्स हो रहे हैं, इतने लोगों को परेशान किया गया है, मारा गया है, सर काट दिया गया है, जला दिया गया है जिंदा। आप देखिए बर्निंग अलाइव इज द फर्स्ट लार्जेस्ट, मतलब फर्स्ट लार्जेस्ट तो नहीं मैं बोलना चाहूँगा, मतलब मैं बोलूँगा सबसे ज़्यादा पेनफुल, पेनफुल का अगर स्केल बनाए तो बर्निंग अलाइव इज द हाईएस्ट, सेकंड फर्स्ट नंबर पे बर्निंग अलाइव आता है पेनफुल में, सेकंड इज गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड। तो इन लोगों को बर्निंग अलाइव किया गया है, मतलब सबसे ज़्यादा इन लोगों को इससे, एक ह्यूमनली बॉडी को इससे ज़्यादा पॉसिबल पेन नहीं मिल सकता जितना बर्निंग अलाइव में मिलता है, जिंदा जलने में। सेकेंड सबसे ज़्यादा पेन मिलता है एक बेबी को बर्थ देने में। तो देखते हैं, कैंडिडेट शॉट हेड इन ऑगस्ट द वॉयलेंस क्लेम्ड द लाइफ ऑफ एंटीग्राफ्ट एंड एंटी कार्टल प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट फेरमेंडो विलावीसेंसियो मूव्ड डाउन बाय अ बैरेज ऑफ सब मशीन गन फायर आफ्टर ए स्पीच ही हैड बीन पोलिंग इन सेकेंड प्लेस। मिस्टर नोबोआ हु ऑब्टेन्ड सम 52% ऑफ द वोट अकॉर्डिंग टू नियर कंप्लीट काउंट वॉज इलेक्टेड टू ओनली 16 month इन ऑफिस टू कंप्लीट द टर्म ऑफ इनकम्बेंट गुरिलर मोलासो हु वॉज कॉल्ड अ स्नैप वोट टू अवॉइड पॉसिबल इम्पीचमेंट फॉर एलेज एम्बेजलमेंट अंडर द लॉ। मिस्टर नोबोआ कैन रन अगेन फॉर 2025-29 प्रेसिडेंशियल टर्म एंड द वन आफ्टर डैट। तो इसके बाद वाला भी लड़ सकते हैं, इसके बाद वाला भी, ये अपने लिए खड़े हो सकते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। बोथ रन ऑफ कैंडिडेट्स वर रिलेटिव अननोन इन पॉलिटिक्स। मिस्टर नोबोआ इज द सन ऑफ वन ऑफ द इक्वाडोर्स रिचेस्ट मैन हु हिमसेल्फ हैज 5 फेल्ड प्रेसिडेंशियल बिड टू हिज नेम। तो अब देखते हैं इसमें हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहले देखिए इक्वाडोर, इक्वाडोर का हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है लोकेशन, ठीक है। सेकंड आप देखिए यहाँ पे इनका हम देखते हैं तो एक इनके यहाँ पर ड्रग का प्रॉब्लम है, करप्शन का, ठीक है, और वॉयलेंस का। इनका कैपिटल क्या है, क्विटो। यहाँ पे आप देखिए कौन सी यहाँ पे पहले वो थी, हम लोग देखे डेनेस्टी एम्पायर, बनाना एम्पायर, तो एक हमें बस वर्ड एसोसिएशन बनाना एम्पायर, ठीक है। उसके बाद आप देखिए ये अभी जैसे इलेक्शन ये जो आए हैं ये रिमेनिंग टर्म के लिए आए हैं, ठीक है, रिमेनिंग टर्म के लिए आए हैं। इसके बाद वाला इलेक्शन मतलब 2025 से 2029 वाला, और